हदीस नंबर 1940, बाबुन ला तुहरिमुल मस्सतु वलल मस्सतान, एक बार या दो बार दूध पीने से हुरमत साबित नहीं होती। इसमें आइमा का इख्तलाफ है। अहनाफ के पास मुतलक दूध पी लेने से हुरमत रजात रजात का हुक्म साबित हो जाता है, चाहे दूध कम हो या ज़्यादा। अलबत्ता शर्त यह है कि रजात की मुद्दत में दूध पिया जाए। रजात की मुद्दत साहिबन के पास 2 साल है और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास 2 साल 6 महीने यानी 2.5 साल है। इस मुद्दत के अंदर अगर कोई दूध पी ले तो दूध पिलाने वाली औरत उसकी रज़ाई माँ कहलाती है और वो लड़का या लड़की उसकी रज़ाई औलाद। और फतवा साहिबन के कौल पर है कि 2 साल की मुद्दत के अंदर अगर कोई किसी औरत का दूध पिए तो वो मर्द हो तो उसका रज़ाई बेटा, और अगर औरत हो लड़की हो तो उसकी रज़ाई बेटी कहलाएगी। हदसन अबू बकर इब्न अबी शैबा, हदसन मोहम्मद इब्न बशीर, हदसन इब्न अबी अरुबत, अन क़तादत, अन अबिल खलील, अन अब्दुल्लाह इब्न अल हारिथ, अन उम्मुल फज़ल, हदसतहु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुहर्रिमु रज़ातु वलर रज़ातान अबिल मस्सतु वलल वल मस्सतान। उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बार दूध पीना या एक बार दूध चूसना या दो बार, एक घूंट और दो घूंट, इसी तरह एक बार चूसना या दो बार चूसना हराम नहीं करता। मतलब ये है कि सिर्फ़ एक बार दूध पीने से, एक क़तरा दूध पीने से हुरमत साबित नहीं होती। रज़ात के सबूत के लिए एक तो मुद्दत के अंदर पीना ज़रूरी है कि जिस मुद्दत में दूध ग़िज़ा बन सके बच्चे की, जैसा कि आगे हदीस में आ रहा है। तो बहरहाल एक हदीस शरीफ में ये भी है कि रज़ात जब साबित होती है जबकि दूध पिया जाए, चाहे दूध थोड़ा हो या ज़्यादा, एक क़तरा भी दूध पी लेने से हुरमत रज़ात साबित हो जाती है, जैसा कि दीगर अहादीस शरीफा में वारिद है। और क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने मुतलक इरशाद फरमाया कि व उम्महातुकुम लाती अरदअनकुम, और तुम्हारी वो माएँ भी तुम पर हराम हैं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया। अभी अरदअनकुम में हुक्म आम है, इसमें कलील और कसीर सबको शामिल है, ये कि मुतलक दूध पिलाने से हुरमत रज़ात साबित हो जाती है। हदीस नंबर 1941, हदसना मोहम्मद इब्न खालिद इब्न खिदाशिन, हदसना इब्न उलैया अन अय्यूबान इब्न अबी मुलैका अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैरी अन आयशा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुहर्रिमुल मस्सतु वलल मस्सतान। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से भी मरवी है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं, आपने फ़रमाया कि एक मरतबा चूसना और दो मरतबा चूसना ये हराम नहीं करता। ये हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और बास सहाबा का यह मसलक है कि कम से कम 5 कतरे दूध पीने से हुरमत रज़ात साबित होती है, उससे कम में रज़ात की हुरमत साबित नहीं होती। लेकिन अहनाफ की दलील कुरान मजीद की आयत है जिसमें मुतलक रज़ात का ज़िक्र है कि तुम्हारी वो माएँ तुम पर हराम हैं जो तुमको दूध पिलाए, उसमें कलील और कसीर का ज़िक्र नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा। थोड़ा भी अगर दूध पिला दे तो रिश्ता रज़ात का साबित हो जाता है। एक ख़तरा हो या दो ख़तरे। हदीस नंबर 1942, हदसन अब्दुल वारिस इब्न अब्दुल समद इब्न अब्दुल वारिस, हदसन अबी, हदसन हम्माद इब्न सलामत अन अब्दुल रहमान इब्न कासिम अन अबीही अन अमरत अन आयशत अन्हा क़ालत काना फ़ीमा अनज़लल्लाहु मिनल क़ुरआन थुम्मा सक़त ला युहर्रिमु इल्ला 10 रज़ात अव 5 मालूमात। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आपने फ़रमाया, पहले कुरान मजीद में ये आयत थी, फिर इसका पढ़ना मौकूफ़ हो गया कि हराम नहीं करता मगर 10 बार दूध पीना या 5 बार पीना। यानी इब्तिदा में कुरान मजीद में यह हुक्म नाजिल हुआ था कि कम से कम 10 कतरे या 10 मरतबा दूध पीने से हुरमत रज़ात साबित होती है या 5 मरतबा, यह हुक्म नाजिल हुआ था। यह हुक्म मनसूख हो गया और उस आयत की तिलावत भी मनसूख हो गई।
यानी इब्तिदा में यह हुक्म था, उसके बाद यह हुक्म ख़त्म कर दिया गया। और अब जैसा कि अहनाफ का मसलक है कि मुद्दत रज़ात में दूध पीने से रज़ात की हरमत साबित होती है, चाहे दूध थोड़ा पिए या ज़्यादा। मुफ्ती साहब, ये तिलावत भी मुनसिख हो गई का मतलब क्या है? कुरान मजीद में पहले, चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बतदरीज नाजिल फरमाया हसब ज़रूरत, जैसे जैसे ज़रूरत पेश आती रही, लोग सवालात करते रहे, तो कुरान मजीद नाजिल होता रहा। और जैसा कि एक डॉक्टर, एक तबीब मरीज़ की कैफियत के लिहाज से उसका इलाज, उसकी तशखीस करता है, इलाज उसका तजवीज़ करता है, हसब ज़रूरत उसके लिए दवाएँ बदल कर देता है, अल्लाह ताला हकीम अलल इतलाक़ है, हकीम मुतलक़ है, वो भी लोगों के नफ्सियात से वाकिफ़ है। और हसब ज़रूरत, हसब सहूलत, जैसा कि कुरान मजीद में बहुत सारे अहकाम नाजिल किए गए, इब्तिदा में नमाज में गुफ्तगू करने की इजाज़त थी, लेकिन बाद में वह हुक्म मनसूख हो गया। ऐसे ही बाज़ अहकाम इब्तिदा में दिए गए थे, बाद में वो अहकाम मनसूख कर दिए गए, उसकी जगह दूसरे अहकाम बयान किए गए। तो जैसे बीमारी के इब्तदाई दौर में एक दवा दी जाती है, फिर जब उसमें मरीज़ में कुछ तब्दीली होती है, उसकी कैफियत में कुछ फ़र्क आता है, तो फिर उसके लिए एक अलग दवा तजवीज़ की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर, तबीब, हकीम जाहिल है, बल्कि वो मरीज़ की नफ्सियात से वाकिफ़ है और अच्छी तरह वो जानता है कि किस तरह इलाज करना चाहिए। तो अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है, हकीम मुतलक है, उसने हसब ज़रूरत ज़माने के लिहाज से उसने अहकाम नाजिल फरमाए। और कुरान मजीद में इब्तिदा में दुआ कुनूत भी नाजिल किया गया था, बाद में वो मनसूख कर दिया गया। अलबत्ता दुआ कुनूत पढ़ने का हुक्म अब भी बाकी है, जैसा कि वितर में दुआ कुनूत पढ़ा जाता है, तो उसकी तिलावत भी मनसूख होती है। मतलब ये है कि वो लफ्ज़ पढ़े नहीं जाते कुरान के, जैसा कि ज़ानी के बारे में आयत रजम नाजिल हुई थी, अश्शेख व शेखतु इज़ा ज़नाया फ़रजुमूहुमा, यानी बूढ़ा और बूढ़ी औरत जब जिना करें, बदकारी करें, तो उनको रजम करो, संसार करो, पत्थर मारकर ख़त्म कर दो। ये आयत नाजिल हुई थी, लेकिन अब ये आयत पढ़ी नहीं जाएगी, अलबत्ता उसका हुक्म आज भी बाकी है। तो कुरान मजीद में ये तफसील है, बाज़ आयतें मनसूख हो गई और हुक्म भी मनसूख हो गया, ख़त्म कर दिया गया, बाज़ आयतें ख़त्म कर दी गई, तिलावत बाकी नहीं है, लेकिन हुक्म आज भी बाकी है। तो बहरहाल इसी तरह इब्तिदा में 10 क़तरों का हुक्म नाजिल हुआ था कि 10 क़तरे पीने से या 10 मरतबा पीने से या 5 क़तरे पीने से रज़ात की हुरमत साबित होती है। इब्तिदा में यह हुक्म नाजिल किया गया था, यह हुक्म भी ख़त्म कर दिया गया और इस आयत की तिलावत भी मनसूख कर दी गई, अब नहीं है। अब सिर्फ व उम्महात अमल भी नहीं किया जाएगा, और जो अल्फाज नाजिल हुए थे वो भी नहीं पढ़े जाएंगे। अब जैसा कि अश्शेख व शेखतु इज़ा ज़नाया फ़रजुमूहुमा, ये भी नाजिल हुआ था, लेकिन आज ये अल्फाज भी नहीं पढ़े जाएंगे, और अलबत्ता हुक्म बाकी है, लेकिन अल्फाज नहीं पढ़े जाएंगे। तिलावत का मतलब ये है कि कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, जो कलिमात है, उन कलिमात को पढ़ा जाता है। बाज़ कलिमात ऐसे हैं जिनको पढ़ा जाता है लेकिन उनका हुक्म बाकी नहीं है, और बाज़ कलिमात ख़त्म कर दिए गए, पहले नाजिल किए गए थे फिर उठा लिए गए, उसका हुक्म बाकी है। बाज़ कलिमात उठा लिए गए, हुक्म भी बाकी नहीं है। उसमें ये कलिमात भी है कि इब्तिदा में 10 क़तरे पीने से रज़ात की हुरमत का सबूत कुरान मजीद में नाजिल किया गया था, बाद में वो आयतें भी मनसूख कर दी गई, उठा ली गई, और उसका हुक्म भी ख़त्म कर दिया गया।